आपको समझ में आ गया। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ ओवरहैंगिंग बीम एंड वी हैव ऑल्सो मेड डिस्कशन ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द वन प्रॉब्लम यू कैन सी, इट इज ऑल्सो दिस पार्ट इज ओवरहैंग, देयर इज ए यूडीएल इज अप्लाइड बट दिस बीम इज नॉट सिमेट्रिक। एट प्रीवियस व्हाट वी हैव सॉल्व दैट वॉज द प्री सिमेट्रिक बीम, सो इट वॉज वेरी वेरी easy to calculate this end support, but this time no problem, we will be use our usual method to calculate the reaction at the support. We need two unknowns, so we have to make two equation, one the equation of equilibrium, another is equation of bending moment, equation of movement. Okay, so then we will get the reaction Rn Rb. Let's see what question asking for us. So a shear force bending moment for single side overhanging beam subjected to loading as shown in the figure, determine the absolute maximum bending moment and shear force and mark them on the shear force bending moment, also locate the point of contraflexure if any. So bhaiya ye agar overhang hai, to if is there is overhang, सो डेफिनेटली यहाँ पास आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलेगा। ठीक है, सो ये वाला एक सर, यू कैन सी दिस। हाँ क्या हुआ सर? वन डाउट सर, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वहां में मिलेगा सर, पॉइंट ऑफ इंट्राफ्लेक्सर वो कहाँ पे मिलेगा और वो कैसे प्रोड्यूस होगा? भाई दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक ही चीज है। जैसे तुम्हारा नाम घर का लाला होता है, पीला होता है, फिर बाहर का दूसरा होता है, वैसे उसका दो नाम है, पॉइंट ऑफ इंट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, दोनों एक ही है सर? हाँ भैया एक ही है, और करके लिखा था ना दिस और दिस। ठीक है, दोनों एक ही है, आया समझ में? यस सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ो। सो दिस इज द क्वेश्चन, चलिए अब हम वी आर गोइंग टू बी सॉल्व दी calculate the reaction at the support. So let's find the Ra and Rb. So first what we have done, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Ra और Rb को calculate करेंगे। ठीक है, सारी value of load and the length of the beam are given in the question. So सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले हम आप यहाँ पर चलिए bending moment की equation लिखते हैं। Suppose A जो है, पॉइंट A है, उसके अबाउट सारे जितने भी लोड लग रहे हैं वो बेंडिंग मोमेंट, द वैल्यू ऑफ बेंड समेशन ऑफ ऑल द लोड बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट A इक्वल टू जीरो। आप B के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी A लेके चलते हैं। चलिए सबसे पहले A, फिर RA और A के बीच की दूरी कितनी है? 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 प्लस 1 इज 5, सो दिस इज RB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 प्लस 1 इज 5 इनटू 5। ठीक है, अब देखिए ये सपोज इफ दिस पॉइंट इज हिंज, अगर ये हिंज जैसा मान लिया थोड़ी देर के लिए, है नहीं, मानने में क्या जाता है, तो ये वाला लोड इसको लेके जाएगा इधर की तरफ। So, ये क्या होता है? एंटी क्लॉक वाइज रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। सो ये हो जाएगा माइनस साइन। ये हमने पढ़ा था कि जब भी हम मोमेंट लेंगे एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव, क्लॉक वाइज पॉजिटिव। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट लोड कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट लोड टू दैट। सो हम ले लिया यहाँ पर ये 10 kN/m, सो दिस इज द यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जितने लोड जितनी डिस्टेंस में एक्ट कर रहा है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑफ दैट ऑन दैट पर्टिकुलर लोड। तो कितने में लग रहा है? 4 kN में, सॉरी 4 m में। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 4 विद द 10 kN/m. So as you multiply with this 4, so this meter cancel out हो जाएगा, so this become kN. ठीक है, ये हो गया। Then the perpendicular distance from the point A.
So once this UDL you want to change in the point load, so you can say you have to be need one point, and that point will be act at the midpoint of uniformly distributed load. ये इसकी property होती है आपका uniformly distributed load. जैसे कोई भी एक shape होता है, अगर आप उस shape का bending moment निकालना है तो you have to be take a point sum of the all area. एक point होगा that is called center of gravity. उस particular points पे आसे आपको you have to be calculate the moment of inertia या moment जो आपको उसको calculate करना उस point का. उस पर्टिकुलर एरिया का जो आपने देखा है. तो वैसे यूडीएल का आपका अगर यूडीएल को पॉइंट लोड में ऐसा समझ सकते हैं कि पॉइंट लोड में अगर माने कि वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब एक्ट होके वो अपनी हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, अपनी आधी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा. ठीक है, यहां पर कहीं एक्ट करेगा बीच में, कितना है 4/2 मतलब 2. तो यही हुआ पहले, पहला 10 डिस्टेंस टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 4. तो ये कन्वर्ट हुआ कितने में, लोड पे. और लोड इस जितने डिस्टेंस में, हाउ मच डिस्टेंस में दिस मच एक्टिंग, उसका हाफ. तो ये हो जाएगा 4/2 तो 2. सो ये हो जाएगा यहां से डिस्टेंस इसकी ए की, इसका आधा 4/2 की, ये लाइक दिस. सो ये हो गया. अब एक लोड ये है भैया, देखो देखो 2 kN का, 2 kN की यहां से डिस्टेंस ए से कितनी है 4. सो 2 × 4 ये हो गया. ठीक है, और सबके सब ऊपर से नीचे लग रहे हैं तो सब पॉजिटिव होंगे, इसके रेस्पेक्ट में सब क्लॉकवाइज होंगे इसलिए पॉजिटिव हो रहे हैं. इस अगर इसको आप फलक्रम मान लो तो इसके रेस्पेक्ट. फिर ये ये वाला भी है 5 वाला, तो 5 की टोटल डिस्टेंस ये 5 kN की, ये पूरा ऐड कर दो तो आपको हो जाएगा 7. तो 5 × 7, सो यहां से आपको मिल जाएगा आरबी. सो वैल्यू ऑफ आरबी इज 24.6 kN. ठीक है, नाउ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप बनाइए. समेशन ऑफ फोर्स बाई एक्सिस में जो लग रहा है समेशन, ये जो फोर्स ऐड कर रहे हैं उसको आप एज इट इज साइन के साथ ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव करके ऐसा कर सकते हो. ये देख लो वही हमने किया यहाँ, और यहाँ पर ये 24 की वैल्यू भी रख दी डायरेक्टली. तो आर ए प्लस आर बी माइनस दिस 10 × 4, हर बार तुमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू ये, फिर उसके बाद 2 + 5 kN and 5 kN. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो भैया ये वाला भी तो माइनस ही होगा, ये कहां से प्लस करते हैं, ये माइनस होगा भाई, सो करना माइनस कर लेना इसको. सो जस्ट यू सॉल्व दिस, सो आपको मिल गया 22.4 kN. सो इस तरह से आपको मिल गया आर ए एंड आर बी. सो विद द हेल्प ऑफ आर ए एंड आर बी अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शंस ऑफ द बीम. चलिए, तो क्या तरीका था इसका, ये आर ए आर बी आ गया, जहां पर लोड लग रहा है एक यहां पर सेक्शन लोगे पहले, एक उसके जस्ट बाद में. ठीक है, फिर उससे यहाँ पर लग रहा है उससे पहले, उसके बाद यहाँ पर ये लग रहा है रिएक्शन इससे पहले उसके बाद, और लास्ट में ये लग रहा है उससे पहले उसके बाद, ये किया. तो अब बताओ, चलो तुम बताओ यहाँ पर कितना होगा F11 या V11 में जो भी होगा. तो F0 जो बोल रहे हो ये 0, तो यहाँ पर 0 होगा. फिर आपका F1 पे क्या होगा, ये वाला लग रहा है 22, देखो जरा 22.4 kN ये लग रहा है ना 24. अब देखो साइन देखते हैं, साइन फिर ऐसे लाइन ये बना दो. अगर ऐसा सेक्शन है नीचे से लगने वाला लोड पॉजिटिव लेफ्ट साइड से ना, लेफ्ट साइड में, और इधर ऊपर से वाला निगेटिव, इधर ऊपर से आने वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है. ठीक है, और इधर नीचे से वाला निगेटिव है. ऐसा देखो कहाँ से जा रहा है, इससे इसके रेस्पेक्ट में ये वाला नीचे से जा रहा है, तो ये हो गया प्लस. ठीक है, अब इसके बाद चल दिए हमने यहाँ से चले, तो 1-1 में तो आप गया 22.4. अब यहाँ आ जाओ 2-2, जैसे तुम 2-2 में आओगे तो 20 ये तो आ ही जाएगा आराम से,
इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.4 ये देखो ये आ गया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, ये जो लोड लग रहा है देखो जरा, ये पूरा है ना, ये कितना रहा 10 × 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 × 4। अब इस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, 2 के रिस्पेक्ट में, वो क्या है ऊपर से नीचे, तो माइनस होगा भाई ये, तो 40। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। दिस इज अवे। अब चलो हमने वैल्यू लिख के रखी है, ये मैंने मैनुअल भी बता दिया तुमको, अब डायरेक्ट हम वैल्यू बताता हूं। ये देखो वही किया, देखो जरा पहले क्या किया, 0 फिर V1 नहीं F11 लिख दिया, अच्छा जगह V भी लिखा है, इसको मैं चेंज करूंगा, तो F00 सो दैट वुड 0, देन F, इसको F कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, देन F, ये लो F11 इज 22.4। ठीक है, फिर इसको एडिटिंग, इसको यहाँ से ले आएंगे, ये ला लिया देखो वैसे का वैसे रख लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लोड कितना आ जाएगा, ये 10 वाला, 10 कितने डिस्टेंस में है, 4, तो ये हो जाएगा 40, और माइनस कर दोगे इसमें तो माइनस 17.6 किलो न्यूटन आ गया। अब चलिए बताइए 33 पे आइए, F33 पे, उससे पहले जो था माइनस 17.6 किलो न्यूटन वहां, वो तो आ ही जाएगा, ये देखो ये आया, एज इट इज उठा लिया साइन के साथ। उसके बाद कौन सा लग रहा है, ये 2, तो 2 इसके रेस्पेक्ट में ऊपर से नीचे, यहाँ से देखो ऊपर से नीचे, इसके लेफ्ट साइड में जो होगा तो निगेटिव होता, माइनस होता है, तो माइनस कर दे, तो माइनस 19.6 किलो न्यूटन हो गया। तो 4, अब आइए 1, ये 4 पे कितना लग रहा है, 19.6 किलो न्यूटन, वो एज इट इज आएगा वहां से, क्योंकि 4 तक तो बीच में कोई लोड ही नहीं, 3 और 4 के बीच में देयर इज नो लोड, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बीच में, सो देन कंसीडर देयर सेक्शन 5, सेक्शन 5 में आइए, तो ये 19 पॉइंट को एज इट इज उठाइए, और उसके बाद इस सेक्शन 5 के रेस्पेक्ट में ये लोड नीचे से ऊपर है, ठीक है, तो एज इट इज ये जाके एड हो जाएगा, जैसे वो उसमें एड हुआ तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 5, इस पार्ट में 5 आना भी चाहिए था, 6 में 5 ही होगा, और यहाँ पर 6 7 में जाओगे तो वो 0 हो जाएगा, और ये चेक हो गया आपका कि हाँ तुमने जो कैलकुलेशन किया है, जो प्रोसेस अडॉप्ट की है, तो आपका कैलकुलेशन सही है। अगर आपका 0 नहीं आता, इट मींस तुमने कहीं गलती करी है। चलिए ये हो गया एक, आपने सारा शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करोगे, देखो ये जो F11 का मतलब यहाँ पास एग्जैक्टली यहाँ से, ये देखो ये दोनों पॉइंट, ये 10 का मतलब ये है, देखो ग्राफ में जो होता है ना, ये दोनों एक नीचे का पॉइंट एक ऊपर का पॉइंट होता है, ये जो हम बनाते हैं, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किया, ये कितना हो जाएगा, देखो जो यहाँ पर वैल्यू होगी कितनी है, 22.4 आया, 22.4। इसके बाद हम फिर कहाँ वैल्यू निकाले थे, बीच में यहाँ डायरेक्ट आ गए थे सी पे, देखो ना डायरेक्ट सी पे आ गए थे, सी पे अब कितनी वैल्यू होगी आपकी, एक तो यहाँ पर आएगी इसकी नीचे की वैल्यू, यहाँ पर यहाँ सेक्शन लिया था और यहाँ लिया था जस्ट बाजू में, तो एक वैल्यू नीचे की होगी, एक वैल्यू ऊपर की होगी, तो चलिए आप देखते हैं, एक आया था 17.6, तो ये 22.4 था, उससे यहाँ से उससे रेस्पेक्टिव एक 17 मार्क कर लेना, उससे थोड़ा सा कम, फिर 19 पॉइंट थोड़ा सा बढ़ाना, फिर यहाँ तक आ गए, फिर नेक्स्ट वैल्यू आई थी 19.6, नेक्स्ट पॉइंट आया, फिर उसके बाद आपका सडन यहाँ पास आया, उसके बाद वो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव यहाँ से, फिर ये 19 तो था ही, यहाँ पॉजिटिव 5 कर देना, ये पॉजिटिव, ये 0, तो इस तरह से आपका शेयर फोर्स डायग्राम ये आपका ड्रॉ हो गया। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्या इस डायग्राम में देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, दूसरा यहाँ भी है, तो इसकी तो लोकेशन पहले से ही पता है कि डी से 2 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्लेक्सर है, पर इसकी डिस्टेंस नहीं पता, तो उसको हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड ऑफ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। देन लेट्स फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। सो चलिए, सो ये अब
एक चीज और कि अब यहाँ पूछा था शायद क्वेश्चन में, अब देख लेते हैं कि दैट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स टू मार्क, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछा है आपसे, तो जहां पर भी देखो, जहां पर शेयर फोर्स, जहां पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा, देखो जहां पर शेयर फोर्स जीरो, बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स जीरो, वहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए अपन ये कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द एक्सपोज मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स। चलिए तो ये कंसेप्ट हम वी कैन यूज हियर, हम देखेंगे। सो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल अकर एट द सेक्शन वेयर द शेयर फोर्स इज जीरो, तो जहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा वहां शेयर फोर्स जीरो होगा, ये याद रखना। शेयर फोर्स ऑफ द सेक्शन हैविंग जीरो शेयर फोर्स इन द अवेलेबल एट द पोर्शन एसी, ठीक है, इस पोर्शन में आएगा। लेट द सेक्शन एक्सेस कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स फ्रॉम ए, इस पॉइंट से, कि वो कौन सा सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि वो पूछा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए, जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम आर्बिट्री ये हम मान लिया अपने आप कि इस पोर्शन एसी पे ही कहीं ना कहीं आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलने वाला है, और ये क्योंकि इधर बहुत ज्यादा लोडिंग है, जहां लोडिंग ज्यादा होगी उसी एरिया में आपको बेंडिंग मोमेंट ज्यादा मिलेगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि इस सेक्शन में कहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, अज्यूम किया एक सेक्शन xx एट डिस्टेंस x फ्रॉम a। अब ये मान लिया, अपने से मान लिया, अब हमने निकाला इस पर्टिकुलर इस x एक्सिस पे शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाई। शेयर फोर्स की इक्वेशन चलो बनाना सिखाते हैं, शेयर फोर्स की इक्वेशन कैसे बनती है, यहां देख लीजिए, यहां से यहां तक मूव आइए, तो पहला फोर्स ये लग रहा है कितना, 22 वाला, 22 का इफेक्ट आएगा, क्योंकि वी आर कंसीडरिंग फ्रॉम हियर, तो सबसे पहला आप 22.4 लिख लीजिए, ये वाला, ये, और ये इसके रिस्पेक्ट में फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये डिस्टेंस एक्स के डिस्टेंस में कितना लग रहा है, 10, सो आपको इस 10 पे x को मल्टीप्लाई करिए, 10 को x में मल्टीप्लाई करिए, और इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में ये अप टू डाउन है, इसलिए ये माइनस 10x हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 10x, और चूंकि बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम जहां शेयर फोर्स जीरो हो गया, तो वो उसकी वजह से इसको मैंने जीरो रख दिया, ये देखो, तो ये 22 पॉइंट, ये x बताबर इसको क्लियर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2.24 मीटर। तो x इज इक्वल टू 2.24 मीटर, ठीक है, x इज इक्वल टू 2.24 मीटर जो पॉइंट है वहां पर बेंडिंग मूवमेंट आपका मैक्सिमम होगा। तो बहुत आसान है, 2.24 पे बेंडिंग मूवमेंट ले लो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। चलिए अब देखिए, अब उस 2.24 पे हम निकालेंगे, चलिए, तो बेंडिंग मूवमेंट एट द सपोर्ट, ठीक है, एंड सपोर्ट जो भी एंड है, देखो ए ये है और यहाँ डी है, जो कॉर्नर है वहां जीरो हो गया। फिर अब सी पे निकालना है आपको, बेंडिंग मूवमेंट सी पे निकालते हैं, बहुत आसान है। क्या करेंगे, इस सी से ये जो लोड है, हम इधर से मूव कर रहे हैं ना, तो सी से कितना है 22.4, डिस्टेंस कितनी है 4, मल्टीप्लाई कर दिया, ये किधर लेके जाएगा, अपवर्ड, इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज नहीं, अपवर्ड डाउन, ये ऊपर की तरफ बीम को ले जाएगा, तो पॉजिटिव। फिर 10 × 4, और इससे उसका डिस्टेंस कितना, हाफ, वो कितना ले जाएगा, डाउनवर्ड, सो सी पर आ जाएगा 19.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बी पॉइंट पे, इस बी पे भी बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट आप यहां से प्रोसीड कर लीजिए, या तो फिर आप यहां से भी कर लीजिए, आपको दोनों ऑप्शन है, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। तो कंसीडरिंग द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द सेक्शन और राइट पोर्शन खरीद करोगे तो भी -10 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा। आप देख चाहे कैसे -10 क्यों आ रहा है, यहाँ से 5 है
और टू डिस्टेंस है, तो माइनस टेन डायरेक्ट भी आ गया इधर का ले रहे। ये फैसिलिटी सिर्फ सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग में ही अवेलेबल है। आप इधर से सॉल्व करना चालू करो या उधर से सॉल्व करना चालू करो, दोनों राइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सेम डू द सेम प्रोसीजर। अब आपको यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ए की कितनी है, फाइव है। फिर टेन का आप कितना मल्टीप्लीकेशन करोगे, फोर का, टेन इंटू फोर, तो वो लोड में कन्वर्ट होगा। फिर इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा टू, और ये वन भी जुड़ेगा उसमें, आधा इसका टू तो यहां तक आ गए, देन ये वन, तो ये थ्री हो गया, ठीक है। अब ये क्या सब नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस जा रहा माइनस, फिर टू, टू से इसकी डिस्टेंस वन, सो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस टेन किलो न्यूटन मीटर। और इतना तामझाम तुमको नहीं करना था, तुम यहाँ से डायरेक्ट फाइव इंटू टू करके यहाँ पर लिख देना कंसीडरिंग द राइट पोर्शन ऑफ द सेक्शन, खत्म। सो अल्टरनेटिवली हमको पूछा गया है कि अच्छा लिखा, वही लिखा जो मैंने बोला था, अल्टरनेटिवली यू कैन सॉल्व दिस। सो अब निकालना है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। तो कैसे निकालेंगे, जो आपको वैल्यू मिली एक्स की उस पर, उसी जो आपके पास ये इक्वेशन निकाली थी, देखो जरा यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे कितने डिस्टेंस पे, 2.24 पे। तो आइए यहां से, यहीं से 2.24 कहीं भी आ रहा हो, मान लो यहां कहीं आ रहा है 2.24, मतलब थोड़ा सा मिड से ज्यादा, तो 22.4 इंटू 2.24 माइनस 10 इंटू 2.24, ठीक है, का स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायर है भाई, ये जो लिखा है ना, ये 2 बाई 2 नहीं है, ये इसका 22.2 का होल स्क्वायर बाय 2, और दैट आंसर इसका 25.1 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम आप इसमें क्या क्या सीख लिया आज, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया, एट द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर द शेयर फोर्स इज जीरो, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाई, एक्स ले गए, एक्स की वैल्यू, एक्स के टर्म में हमने शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाई, उसको जीरो के इक्वेट कर दिया, सो हमको मिल गया वैल्यू ऑफ द एक्स। अब उस एक्स को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब देखो इसको ड्रॉ करिए, ड्रॉ करना, शेयर फोर्स पहले कर लिया था, अब बेंडिंग मोमेंट, यहाँ जीरो है, यहाँ मैक्सिमम तुमने निकाला 25.1, इसको मार कर लो, ये पैराबोला ही होगा, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो पैराबोला होगा, देन यू ड्रॉ लाइक दिस, फिर उसके बाद यहाँ पर 19.61 आया, तो ये ऐसा यहाँ तक पैराबोला आएगा, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आए, देखो जरा ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये और ये, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टर फ्लेक्सर भी आ गया इसमें, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जहां पर बन रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टर फ्लेक्सर भी है। ये ओवरऑल आप ऐसे ड्रॉ करोगे इसको, ठीक है। तो व्हेन द बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टर फ्लेक्सर, और वेयर शेयर फोर्स चेंज इट्स साइन, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, या जहां पर शेयर को जीरो होता है, जहां पर साइन चेंज करेगा मतलब वहां साइन जीरो ही होगा, तो उस पर्टिकुलर वेयर द शेयर फोर्स इज जीरो और चेंज इट्स साइन, इट मींस वेयर दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विद मैक्सिमम, आप यहां देख सकते हो, दिस वुड बी द मैक्सिमम एंड दिस पॉइंट आल्सो, हियर यू कैन सी द देयर, यहां बेंडिंग मोमेंट, यहां देखो यहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, तो वहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाता है जहां साइन चेंज, ठीक है। तो ये सिंपल फिनोमिना है जो आपको इसको वी कैन सॉल्व दिस, तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर है, अगर आप ठीक है, आप इसको बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल दिया, तो इस तरह से वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। So